स्वागत है आप सभी का पांडे ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग ये पार्ट टू होने वाला है बनारस। तो अभी हम लोग यहाँ से की तरफ जा रहे हैं और ये बनारस की गलियाँ। अगर बनारस आएँ और अब बनारस की गली ना घूमें तो क्या खाक बनारस आएँ। तो बनारस की गलियाँ बहुत ही अच्छी है। हम लोग गली से जा रहे हैं। चल रही है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बोटिंग करें, लेकिन कुछ तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग किराया मांग रहा है, अपने मन के हिसाब से किराया मांग रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि लहर कितना चल रहा है। इस वजह से लोग हैंड बोट तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन बाकी सबका ज़्यादा किराया कह रहा है लोग। और आगे पैदल हम धीरे धीरे जा रहे हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। अभी दशमेश घाट वहाँ पर आप लोग को दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि बोटिंग करें। और क्योंकि बनारस आई है, बोटिंग ना कीजिए तो अच्छा नहीं लगता है। जैसा भी होगा बताएंगे और वीडियो में बने। हम लोग ने मना लिया है, हम लोग के बजट में एक नाव हो गई है। हम नौका बिहार के लिए हम लोग निकलेंगे। सभी लोग यहाँ पे हैं और इधर से हैं पवन जी, इधर से हैं विकास जी, सभी लोग हम बैठ गए हैं। तो नौका बिहार का आनंद आपको देखने को मिलेगा और लहरें काफ़ी अच्छी हैं तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी तेज़ लहरें हैं तो सभी जाट के बारे में बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। गंगा के बीचों बीच आ चुकी है। हम घाट घाट के बारे में बताएंगे कौन सा कौन घाट है। ऊपर रोड से आएंगे तो केदारखंड है, उनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। माता पार्वती है, शंकर जी का दो रूप दिखाई देगा इसमें। एक स्वयंवर लिंग है, मैंने खुद प्रकट हुए वहाँ पर, इसको इसलिए केदारखंड बोला गया। ये खंड है, एक समान जो शिवलिंग बनकर होता है वो नहीं है, ये खंड है। ये खिचड़ी एक बहुत पुरानी कहावत है। बुजुर्ग महिला थी, वो खिचड़ी उबाल रही थी एकदम सादा भोजन, पहले भोग लगा रही थी उसी जगह, तब वो खिचड़ी बनाकर पहले भोग लगा दी थी, उसके बाद वो खा ली थी। तो खिचड़ी ये बना रही थी, उसमें अपने आप वो प्रकट हो गए, वो अपने आप प्रकट हो गए, उसीलिए उनका नाम रखा गया है खंड, केदार खंड। वहाँ पे घड़ी बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। पांडे ब्लॉक से यह श्रीवास्तव, हाँ देखिए वहाँ पे शेर बना हुआ है, आप लोगों को दिखेगा आप जब वीडियो को जूम करिएगा। तो राजा हरिचंद आए थे, ये उनको नौकरी पर रखे थे, राजा हरिचंद को, वो यहाँ बिक गए थे आने के बाद। बनारस आके बिक गया था, बनारस को खरीद दिया, डोम राजा ने उनको खरीद के रख लिया नौकरी पर। अच्छा, इसलिए घाट के नाम राजा हरिचंद घाट पड़ा। और ये है मणिखंड घाट, जो डोम राजा उनके परमिशन का आप नहीं भी सही। कहाँ है उनका वो डोम राजा का? वहाँ पर चलेंगे, नहीं बता रहा अभी है वो राजा। अभी नहीं, उनका लड़के
पर दादा पर मैंने पर पोते अब चलता रहा पीढ़ी, जैसे वो तो राजा मर गए ये उन्हीं में होगा, ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पीछे पूरा मकान देख रहे सब उन्हीं का है, सब उन्हीं का है पूरा जितना मकान होता है। बिना माइक लाए रहते तो ये पूरा ना अच्छा वहां पे सारा जितना घर है घर सब घूम रहे जगह पे ज़ूम करना। और ये व्हाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं जी, जिस मंदिर टाइप का उसने ये मीरा भाई के नाम से पसंद। अच्छा मीरा भाई मीरा भाई जो कृष्ण जी के जैसा है। अच्छा हां काशी में यहां पे आई थी, ये व्हाइट वाला पीछे मकान देख रहे हैं मंदिर के बगल में, हां उसी में वो रहती थी, बनारस में आई थी शाम को आरती सब जगह वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, वो प्रसिद्ध है, वो आरती होता नहीं था, आरती वहाँ होता नहीं था, वो नाम दिया गया सुबह आरती करवा के सुबह बनारस आरती नाम दिया, वो सबसे सुबह आरती में आरती दस सुमेर घाट पे होता है पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं। अभी कोरोना की वजह से यहाँ पे फॉरेन के लोग नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है, पहली बार हम लोग आए थे तो बहुत ज्यादा लोग आते थे यहाँ पे, हम भी देखे हैं, अभी कोरोना की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, कोरोना जैसे ही खत्म होगा बाकी जो फॉरेन टूरिस्टर है जो आते हैं यहाँ पे आएंगे, और यही खूबसूरती है बनारस पर काफी बनारस आपको बनारस में ही देखने को ये नाम भी है जो बिल्डिंग है हमारे राजा जो कर्ज 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 मुक्त कर तो जो बनाया बनवा तो लिया मंदिर मंदिर बनवा लिया अभी जो ये आप भवन देख रहे हैं ये बनारस का सबसे महंगा होटल 5-star होटल है, और इसका किराया 15,000 से स्टार्ट होता है और 1 से 1.5 लाख तक का रूम इसमें अवेलेबल है, और ये शुद्ध शाकाहारी होटल है, इसमें मांसाहारी नहीं चलता है, और जैसा देखने में लग रहा है बहुत ही भव्य है, बहुत लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमेशा आप लड़ाई करते रहेंगे
कभी एक नहीं रहेंगे। ये कहावत दो परिवार के संग कहीं स्नान करेंगे तो हमेशा वो झगड़ा होगा। ये पीढ़ियों का समय का ये चलता है, कभी खत्म नहीं होगा। आप हटेंगे दूसरा पीढ़ी आएगा, वो भी लड़ाई करता रहेगा। एक परिवार स्नान कर लिया तो हमेशा वो चलता रहेगा, इसलिए वहाँ पे कोई स्नान नहीं करता। ये बगल में है विनु पांडे दिखा रहा है पांडे का, ये बोला ना भैया। अभी हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। यहाँ ये गुफा देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, उसके अंदर से आएंगे। 64 योगिनी का माता मंदिर, हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। 64 योगिनी का माता मंदिर, 64 जहाँ सीता लिखा हुआ है, भाई होलकर का ये बंगला है। जब यहाँ आई थी तो वो जब यहाँ आई थी तो यहाँ पे काशी में जब आई गंगा जी का पानी लेके सवा मन सोना विश्वनाथ जी को दाती काशी में पहला स्थान का बोल रहा है। गंगा माँ का जल उठा के सवा मन सोना उन्हीं के हाथ का दान किया हुआ है, विश्वनाथ जी का पूरा बना हुआ है। इंदौर में एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम पे है, अहिल्या बाई होलकर। इसी बात पे हर हर महादेव। अरे यार तो पूरा ये वाइब्रेट करने लगा भाई। ये देख सकते हैं काफी अप एंड डाउन कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ये काशी में आए हैं। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अमन जी आप बोलिए, तेज बोलिए। अच्छा लग रहा है, काशी जाके पान बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सब कुछ लग रहा है। काशी का बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, कचौड़ी जलेबी, कचौड़ी जलेबी, यहाँ का पान सबसे फेमस है। ये देखिए खाए या नहीं लिए, देखिए इसकी गलियाँ, बनारस की गलियाँ सबसे फेमस। शिवेंद्र जी आप कुछ बोलिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और हमारे अंकित जी बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप भी बोलिए। चलो बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे नहीं, अब बात कुछ बोलिए। बहुत अच्छा जगह है, धार्मिक स्थल है, यहाँ हर लोग को आना चाहिए। सिर्फ हिंदू को ही नहीं आना चाहिए, हर लोग, हर धर्म के लोग को आना चाहिए। अच्छे भावना से होके आना चाहिए। ये जो बना ये ये गंगा आरती यही है और स्वयं घाट यही है ना, ये सामने यहाँ इंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो यहाँ ये सामने वाला ये। अगर आप बनारस आएँ और गंगा स्नान ना करें तो बनारस आने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग को गंगा स्नान करके बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, तो आप लोग भी स्नान जरूर करें। और ग्रीन शर्ट वाला सेल्फी के लिए बेचैन है, लो भाई इसका फोटो। प्रसादीय क्षेत्र बनारस में अब क्रूज भी चालू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये क्रूज जा रही है। इसका किराया 3000 रुपया है, प्रति व्यक्ति 3000, रहने खाने वाने का सब व्यवस्था है। ये देख सकते हैं क्रूज जा रही है, यहाँ पे पीछे छोटा सा नाव भी जा रहा है, लाइफ बोट जा रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बनारस का टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए एसी भी लगा हुआ, उसमें सब सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन किराया थोड़ा ज्यादा है। आम आदमी के बस का बात नहीं है, मोदी से बात कहना होगा, ये कहना होगा। इतना किराया क्यों रखे हैं ये लोग, इसलिए हम सवाल उठाएंगे। पूछता है भारत तो क्रूज इतना महंगा, क्रूज इतना नहीं रखेंगे तो क्रूज कोई सब आम बोट ना बना दीजिएगा। बनारस में चालू हुआ क्रूज, बने रहिए पांडे ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।